दोस्तों, जब भी आप लोग अपने घर के फर्नीचर्स के लिए एक बेस्ट क्वालिटी का प्लाईबोर्ड को खरीदना चाहते हैं तो कुछ विशेष बातों को ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि घर में बहुत तरह के फर्नीचर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि अलमारी, किचन, कपबोर्ड, टीवी सेट, बहुत तरह के फर्नीचर्स बनाए जाते हैं। किंतु फर्नीचर्स में विभिन्न तरह के ग्रेड के प्लाईबोर्ड को यूज किया जाता है, जिससे कि फर्नीचर्स की मजबूती काफी दिनों तक बनी रहे और बहुत दिनों तक चले। दोस्तों, इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट को शेयर करूंगा जिसको जानने के बाद आप अपने घर के फर्नीचर्स के लिए एक बेहतरीन क्वालिटी के प्लाईबोर्ड को खरीद पाएंगे। तो दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार शर्मा और आप सभी को ग्रेविटी फर्नीचर्स में स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप लोग अपने घर के फर्नीचर्स के लिए प्लाईबोर्ड खरीदना चाहते हैं तो आप जो है लोकल प्लाईबोर्ड को बिल्कुल नहीं खरीदेंगे और ना ही 202 ग्रेड के प्लाईबोर्ड को खरीदेंगे। इस तरह के प्लाईबोर्ड की क्वालिटी काफी खराब होता है और इस तरह के प्लाईबोर्ड को कोई भी कंपनी ISI मार्क से सर्टिफाइड नहीं करता। दोस्तों, आप अपने घर के फर्नीचर्स के लिए जो भी प्लाईबोर्ड खरीदे उसके ऊपर में ISI मार्क का मुहर होना चाहिए। इस तरह के प्लाईबोर्ड में आप लोगों को दो तरह के नंबर देखने को मिलेंगे। एक होगा 303 ग्रेड का प्लाईबोर्ड और एक होगा 710 ग्रेड का प्लाईबोर्ड। 303 ग्रेड के प्लाईबोर्ड में भी आप लोगों को दो तरह के प्लाईबोर्ड देखने को मिलेंगे। पहला होगा MR ग्रेड प्लाईबोर्ड यानी कि मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लाईबोर्ड और नंबर 2 होगा BWR यानी कि बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट। दोस्तों, MR ग्रेड का प्लाईबोर्ड जो होता है नमी को जो है काफी कम मात्रा में सहन कर सकती है और यह एक तरह का कॉमर्शियल प्लाईबोर्ड होता है, परंतु BWR यानी कि वाटर बॉइलिंग रेजिस्टेंट यह प्लाईबोर्ड जो है MR ग्रेड के प्लाईबोर्ड से ज्यादा नमी को सहन कर सकती है, किंतु ये दोनों ही प्लाईबोर्ड वाटरप्रूफ नहीं होता। दोस्तों, इस तरह का प्लाईबोर्ड आप वहीं यूज करेंगे जो फर्नीचर्स में पानी का अटैचमेंट में नहीं आएगा, यानी कि इस तरह के प्लाईबोर्ड से आप अपना अलमारी बना सकते हैं, टीवी यूनिट बना सकते हैं, जूता रैक का बना सकते हैं और उसी जगह पे आप यूज कर सकते हैं जहां पे आपका पानी फर्नीचर के कनेक्ट में नहीं रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं 710 ग्रेड के प्लाईबोर्ड। दोस्तों, इस तरह के प्लाईबोर्ड में भी आप लोगों को दो तरह के प्लाईबोर्ड को देखने को मिलेगा। एक प्लाईबोर्ड होगा BWR यानी कि बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट और दूसरा होगा BWP यानी कि बॉइलिंग वाटर प्रूफ। दोस्तों, BWR बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंट इस तरह का प्लाईबोर्ड है जो नमी को MR ग्रेड के प्लाईबोर्ड से भी ज्यादा सहन कर सकता है और साथ में यह पानी के कांटेक्ट में भी आएगा तो इतना जल्दी खराब नहीं होगा। तो आप इस तरह के प्लाईबोर्ड जो है आप अपने किचन में आराम से यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं BWP यानी कि बॉइलिंग वाटर प्रूफ। यह प्लाईबोर्ड जो है काफी मजबूत होता है और पूरी तरीके से वाटर प्रूफ होता है। इस तरह के प्लाईबोर्ड को आप अपने बाथरूम के फर्नीचर्स बनाने में यूज कर सकते हैं। दोस्तों, यह प्लाईबोर्ड तीनों प्लाईबोर्ड से काफी मजबूत होता है और पूरी तरीके से वाटर प्रूफ होता है और इसका दाम की बात करें तो ये तीनों प्लाईबोर्ड से काफी महंगा होता है। दोस्तों, प्लाईबोर्ड को किस तरह के प्रोडक्ट को यूज करके प्लाईबोर्ड को और बेहतर बना सकते हैं तो हमने लो बजट किचन्स के ऊपर वीडियो बनाया हुआ है, इस तरह का प्रोडक्ट को यूज करके उसको और भी मजबूत बना सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो से काफी कुछ समझने को मिला होगा। यदि वीडियो को पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जय हिंद, वंदे मातरम।